लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। उत्तम नगर में कादम्बिनी नाम की एक 10 साल की बच्ची अपने चाचा, चाची और दादी के साथ रहती थी। पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई और पापा भी अब से 3 साल पहले चल बसे। इतनी छोटी सी उम्र में भी कादम्बिनी की सुंदरता सबको भा जाती थी। स्कूल जाते समय वो अपनी दादी से 1 रुपया लेकर गले की एक आइसक्रीम दुकान में रोज जाती थी। वो आइसक्रीम दुकान मनोहर चाचा का था। मनोहर चाचा कादम्बिनी को देखते ही बहुत खुश हो जाते थे, जैसे कादम्बिनी उनकी लकी चार्म हो, क्योंकि उसके आने के बाद ही उनकी बिक्री बहुत बढ़ जाती थी। लेकिन एक दिन मनोहर चाचा की तबीयत खराब हो जाती है और आइसक्रीम बेचने दुकान पे उनका 12 साल का बेटा बबलू आता है। उस दिन स्कूल का समय भी हो गया था। रोज की तरह कादम्बिनी उसी गली में आइसक्रीम दुकान के तरफ बढ़ी, पैसे देकर एक आइसक्रीम खरीद ली। मनोहर चाचा कहाँ है? उनकी तबीयत खराब है। बस इतना ही पूछकर कादम्बिनी आइसक्रीम लेकर स्कूल चली गई। दिन पे दिन बीतता गया, पर मनोहर चाचा दुकान पे वापस नहीं आए। लगता है जैसे उनकी तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। और इधर कादम्बिनी रोज बबलू से आइसक्रीम खरीदने आती थी। एक दिन बबलू हिम्मत जुटाकर कादम्बिनी से पूछा, तेरा नाम क्या है? कादम्बिनी। और तेरा? बबलू। बबलू, तू स्कूल नहीं जाता? बबलू, नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा तो दुकान कौन संभालेगा और पैसे कहाँ से आएंगे? कादम्बिनी, तू बहुत सुंदर है, क्या तू मुझसे प्यार करेगी? इस प्यार के प्रपोजल में कितनी मासूमियत भरी हुई थी। फिर भी कादम्बिनी को ये सुन के बहुत बुरा लगा। अपनी नन्ही सी दिमाग में पता नहीं वो क्या सोच ली। उसी दिन से बबलू से फिर कभी बात नहीं की, बस अपना आइसक्रीम लेकर जल्दी से भाग जाती थी। दिन, महीने, साल गुजर गए। कादम्बिनी अब 16 साल की हो गई थी। फिर एक दिन उसने देखा घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। दादी, ये सब कौन है? पहले तो उन्हें कभी नहीं देखी। ये सब तेरे ससुराल वाले हैं, तेरे ही रिश्ते की बात चल रही है। हाँ, जल्दी तेरे हाथ पीले हो जाएंगे कादम्बिनी। रिश्ता? रिश्ता शब्द सुनते ही कादम्बिनी को समझ आ गया कि उसकी शादी कर दी जाएगी और वो बहुत डर गई। आखिर इस उम्र में कौन शादी करता है भला? कुछ देर के बाद सारे गेस्ट चले गए। कादम्बिनी अपने चाचा चाची से बोली कि उससे अभी शादी नहीं करनी। ये सुनते ही घर पे सब गुस्सा हो गए। तुम कौन होती हो ये तय करने वाली? हमने तुम्हारी शादी संजय के साथ पक्की कर दी है। संजय? कौन है ये संजय? मैं उसे जानती भी नहीं हूँ चाचा। मैं ये शादी नहीं करूँगी, मेरे सारे दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे भी आगे पढ़ना है। दादी, डायन कहीं की पैदा होते ही माँ बाप को खा गई। अब ज्यादा दिन तक इससे रखेंगे तो किसी के साथ मुंह काला करके जरूर भाग जाएगी। हाँ, मुझे तो लगता है जरूर किसी के साथ प्यार मोहब्बत चल रहा है इसका, तभी तो इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है। इस पे अब कड़ी नजर रखो। प्यार मोहब्बत की बातें सुनके कादम्बिनी को लगा अगर वो बोल देगी किसी से प्यार करती है तो शायद ये शादी रुक जाए, और वो बिना देर किए तुरंत ही दादी के बातों पे हाँ बोल दी। हाँ, करती हूँ मैं प्यार, और ये शादी मैं हरगिज नहीं करूँगी। बस इतनी सी बात कादम्बिनी के मुँह से सुनके घर पे सब चौंक गए, मानो जैसे भूकंप आ गया हो। किसके साथ मुंह काला कर रही है? कौन है वो बदमाश?
कादम्बिनी के दिमाग में और कुछ भी नहीं सूझा। वो तुरंत ही बबलू का नाम बोल दी। एक तो प्यार और ऊपर से एक आइसक्रीम वाले से। ये सुनते ही घर पे आफत मच गई। चाचा चाची बहुत पीटे कादम्बिनी को। और उसकी दादी और मारो बोल बोल के आग में घी डालने का काम करती रही। कादम्बिनी को अब एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वह उस आइसक्रीम बेचने वाले बबलू के साथ भाग ना जाए। बेचारी कादम्बिनी। बबलू का नाम लेकर ये झूठ नहीं बोलती तो अच्छा होता शायद, ये कमरे में तो बंद नहीं रहती। ऐसे ही 20-25 दिन के बाद शादी का दिन आ गया और कादम्बिनी को संजय के साथ जबरदस्ती शादी करवाया गया और फिर वो अपनी ससुराल चली गई। ससुराल तो बस नाम का ही था, ना ससुर ना सास। कादम्बिनी तो पैदा होते ही अनाथ हो गई थी। अब चाचा चाची उसके लिए एक अच्छा घर क्यों ढूंढते भला। जैसे तैसे करके उससे पीछा छुड़वा लिए और एक अनाथ से शादी करवा के उससे छुटकारा पा लिए। बेचारी कादम्बिनी भी इसे ही अपना नसीब मान ली। उसका पति संजय सीधा साधा सा लगता था। शादी के 3-4 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक था। फिर एक दिन, कादम्बिनी मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तुम्हारा वो सोने का अंगूठी ले आओ, मैं उसे बेच दूंगा। बेच देंगे? पर क्यों? वो मेरी माँ की अंगूठी है। पलट के जवाब देना भारी पड़ गया कादम्बिनी पे और उसी दिन से शुरू हो गया उस पे अत्याचार। संजय उससे जोर से थप्पड़ लगाया और सोने की अंगूठी लेकर चला गया। कादम्बिनी के पेट में 2 महीने का बच्चा। संजय ना उससे अच्छे से बात करता था ना ही उसके खाने पीने का ख्याल रखता था। पर कादम्बिनी अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर सारा दुख भुला देती थी। महीनों बाद उससे एक बेटी पैदा हुई। देखने में माँ से भी ज्यादा सुंदर थी। अपनी बच्ची को पाकर कादम्बिनी को मानो जैसे जन्नत मिल गया था। ऐसे ही साल पे साल बीतते गए और कादम्बिनी को एक बेटा भी हो गया। पर संजय के बर्ताव में अब तक कोई बदलाव नहीं आया था। सुनते हो, शाम को बच्चों के लिए दूध ले आना। चुप कर, मैं ये फालतू का काम नहीं कर सकता, तू जाने तेरे बच्चे क्या खाएंगे। पड़ोसियों से संजय के कई अफेयर्स के बारे में हमेशा सुनने को मिलता था, आज इस लड़की के साथ तो कल किसी और के साथ। कादम्बिनी ये सब सुन सुन के उब चुकी थी। अब उसे दुख भी नहीं होता था क्योंकि वो अपने बच्चों को ही अपनी दुनिया मान ली थी। पर उसकी इतनी सी खुशी भी भगवान से बर्दाश्त नहीं हुई। फिर एक दिन सुबह ये सुनने को मिला, इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।